प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे आशीषों के लिए। मेरे जीवन में हर रोज़ मैं उत्सव मनाता हूँ मेरे जीवन में कि तू मुझ में है। तेरा वचन जो मुझ में शक्ति से भरपूर होकर काम करता है, तेरी सफलता और समृद्धि, शांति, आनंद, जीत और जीवन महिमा से भरा हुआ जो मसीह में मुझे मिला है, मुझ में मौजूद है। मैं महिमा, प्रभुता और प्रशंसा जो तेरी है उन सब को तुझे देता हूँ, अभी और हमेशा के लिए, यीशु नाम में, आमीन। अनुग्रह से भरपूर स्वर्गीय पिता, मैं तेरी आराधना करता हूँ आज। तेरे प्रेम, तेरा करुणा और अनुग्रह के लिए जो मेरे जीवन में प्रकट है, तो महान और प्रशंसा के लिए सबसे महान है। मैं तेरा महानता ऊंचा उठाता हूँ और तेरा पवित्र नाम आराधना करता हूँ, क्योंकि तेरे समान कोई नहीं है। तेरा राज्य सदा के लिए है, तू राज्य करता रहे हमेशा हमेशा के लिए। तू ही एकमात्र सच्चा और बुद्धिमान परमेश्वर है। तुझी को सारी महिमा, आदर, महिमा और सामर्थ, प्रभुता और प्रशंसा सदा सर्वदा मिलती रहे। आमीन। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ धन्य अवसर के लिए जो सहभागिता से और एक मन होकर तेरे साथ प्रार्थना में मुझे मिलता है। मैं आनंदित होता हूँ उस महिमामय प्रभाव से और जो बदलाव आता है मेरे आत्मा में हर बार जब मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद हो उस अवसर के लिए जो सकारात्मक प्रभाव लाता है और बदलाव को मुझ पर ठहरने देता है। प्रार्थना के द्वारा जानते हुए कि तेरे कानों से सदा तू मेरी आवाज़ पर ध्यान रखता है और मुझे उत्तर देता है, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, यीशु नाम में, आमीन। प्यारे पिता, तेरा आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा और तेरे वचन के द्वारा मेरा हृदय शुद्ध रखता हूँ मैं। वो सारे बुरे सोच और जो भी युक्तियाँ तेरे वचन के विरोध है, उसे मैं नाश करता हूँ। जो मुझे ख़त्म करने के लिए मेरे मन में आता है, गुस्सा, गंदा, कड़वाहट और नफरत, जो मुझ में, मेरे जीवन में, मेरे हृदय में जगह लेने आता है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। तेरा प्रेम मैं व्यक्त करता हूँ मेरे हृदय में आज और हमेशा, यीशु नाम में, आमीन। हम इंग्लिश में बोलेंगे, फिर हिंदी में बोलेंगे। डियर फादर, व्हाट अ ब्लेसिंग इट इज़ टू बिल्ड अप माई सेल्फ लाइक एन एडिफाइज एज आई प्रे इन टंग्स। Even now, I am charged up like a battery, formidable, able to withstand anything and win always.
आई एक्सपीरियंस डिवाइन सक्सेस डोमिनियन एंड विक्ट्री इन जीसस नेम आमीन। प्यारे पिता, ये कितना ही बड़ा आशीष है जो तूने मुझे तैयार करने के लिए दिया है, जो मेरी सुधार करता है। अन्य भाषा के प्रार्थनाओं से अभी भी मैं एक बैटरी के समान ताकत पाया हुआ हूँ, जो तैयार है और उपलब्ध है कोई भी अवस्थाओं को निपटने के लिए और जीतने के लिए हमेशा। मैं अनुभव करता हूँ ईश्वरीय सफलता, प्रभुता और जीत को, यीशु नाम में आमीन। द लव ऑफ गॉड इज शेड अब्रॉड इन माई हार्ट बाय द होली गोस्ट। लव इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द लाइफ ऑफ क्राइस्ट इन मी। आई एम ग्रोइंग इन द लव ऑफ गॉड, मैनिफेस्टिंग इट एवरीवेयर मोर एंड मोर इन माई वर्ड्स, थॉट्स, एटीट्यूड्स एंड एक्शंस। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में गहराई तक उंडेला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। वह प्रेम मुझ में प्रकट होता है, मसीह यीशु का जीवन का प्रेम जो मुझ में है। मैं बढ़ता हूँ परमेश्वर के प्रेम में और वह प्रकट होता है मैं जहाँ भी रहूँ वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे शब्दों में से, सोचों में से, मेरे स्वभाव में से और मेरे कामों में से। हालेलुया। डियर फादर, योर वर्ड इज मेडिसिन फॉर माई बॉडी एंड हेल्थ टू एवरी फाइबर ऑफ माई बीइंग। आई एम परपेचुअली हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एंड नाउ आई प्रे फॉर योर चिल्ड्रेन अराउंड द वर्ल्ड हु आर सिक इन देयर बॉडीज, दैट योर हीलिंग पावर will surge through them now, healing their bodies and getting rid of the flu, the migraine, the cancer or any infirmity in their bodies. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, तेरा वचन मेरे शरीर और सेहत के लिए, मेरे हर एक तंतुओं के लिए जो मेरी सृष्टि में है, उसके लिए दवाई है। मैं अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए सेहतमंद हूँ और बलवान हूँ। और अभी मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे संतानों के लिए, जगत भर में जो बीमार अवस्था है उनके शरीरों में, कि वह चंगाई की शक्ति उनके अंदर प्रवेश करे, उनके अंदर अभी इसी समय चंगाई बहने लगे उनके शरीरों में, और वह उन बीमारियों में से आज़ाद हो जाए, फ्लू, माइग्रेन, कैंसर और किसी भी प्रकार के व्याधियां उनके शरीरों में है उसमें से वह छुटकारा पाए, यीशु नाम में आमीन। प्यारे पिता, डियर फादर, एज आई स्पेंड टाइम विथ यू इन फेलोशिप, द इंटेंसिटी ऑफ योर ग्लोरी इन माई लाइफ इज इंक्रीज्ड। आई एम ट्रांसफिगर्ड फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। आई एक्सपीरियंस विक्ट्री, डिवाइन हेल्थ एंड ब्लेसिंग्स।
माई लाइफ इज एन एक्सप्रेशन ऑफ योर सुपरनैचुरल ग्रेस, ग्लोरी, परफेक्शन, ब्यूटी एंड राइटियसनेस, इन जीसस नेम, आमीन। प्यारे पिता, जैसे समय मैं बिताता हूँ तेरे साथ सहभागिता में, तीव्रता के साथ तेरी महिमा मेरे जीवन में बढ़ती है। मैं बदल जाता हूँ, महिमा से महिमा तक अनुभव करता हूँ मैं जीत, ईश्वरीय सेहत और आशीषों की। मेरा जीवन व्यक्त होता है असाधारण अनुग्रह, महिमा, सिद्धता, सुंदरता और धार्मिकता में, यीशु नाम में, आमीन। डियर फादर, योर वर्ड ड्वेल्स इन मी रिचली थ्रू मेडिटेशन एंड आई स्पीक इट फोर्थ बोल्डली। माई वर्ड्स आर क्रिएटिव एंड डिवाइन, इन्फ्यूज्ड विद पावर टू चेंज सर्कमस्टेंसेस। दे आर एम्पावर्ड टू प्रोड्यूस लाइफ, इन जीसस नेम, आमीन। प्यारे पिता, तेरा वचन मेरे अंदर रहता है, बढ़ चढ़ कर तेरे मनन के द्वारा। जब वचनों के ऊपर मैं मनन करता हूँ और बोलता हूँ धैर्य के साथ, मेरे शब्द सृष्टि करने वाला और ईश्वरीय बनता है, जिसमें शक्ति भरी हुई है परिस्थितियों को बदलने की। यह सामर्थ्य से भरपूर है, जीवन देता है, यीशु नाम में, आमीन। डियर फादर, यू आर माई ग्लोरी, माई जॉय एंड माई ऑल। माई सोल पैंट्स फॉर यू मच मोर देन द डियर पैंट्स आफ्टर द वॉटर ब्रुक्स। थैंक यू फॉर योर ग्लोरी इन माई लाइफ। माई डिजायर इज टू नो यू मोर एंड फुलफिल Your perfect will for me, in Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, आप मेरी महिमा हो, मेरा आनंद हो, मेरा सब कुछ हो। मेरा प्राण तड़पता है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिस प्रकार से हिरनी तड़पती है पानी के लिए। धन्यवाद हो, तेरा महिमा मेरे जीवन में है। मेरी इच्छा तुझे जानने के लिए है ज़्यादा से ज़्यादा, और तेरी सिद्ध इच्छा मैं पूरा करूं। तू मेरे द्वारा तेरी सिद्ध इच्छा मैं पूरा कर सकूं तेरे द्वारा, यीशु नाम में, आमीन। आई लव यू लॉर्ड एंड आई बोल्डली एंड ओपनली प्रोक्लेम द मिस्ट्रीज ऑफ द गॉस्पल एज एन इफेक्टिव विटनेस एंड इम्पैक्ट माई वर्ल्ड विथ योर राइटियसनेस। Thank you for empowering me by your spirit to be an effective witness, transforming my world and beyond with the news of your saving power, in Jesus' name, Amen. मैं तुझसे प्रेम करता हूँ प्रभु, और मैं धैर्य के साथ और खुलकर यह घोषणा करता हूँ कि मैं तेरे सुसमाचार के
रहस्य प्रभाव के साथ गवाह में बोलूं और मेरे जगत भर में तेरे धार्मिकता के साथ प्रभाव करूं। धन्यवाद हो, तूने मुझे सामर्थ्य से भरा है तेरे आत्मा के द्वारा कि मैं प्रभावशाली गवाह बनूं मेरे जगत को बदलने के लिए और उस बचाने वाली शक्ति का सुसमाचार सब कुछ के परे है उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए। यीशु नाम में आमीन। डियर फादर, थैंक यू फॉर द ग्लोरियस रेजुरेक्शन ऑफ क्राइस्ट दैट अश्योर्ड इन क्रिस्टियनिटी एंड ब्रॉट अस इनटू इटर्नल लाइफ, द इनडिस्ट्रक्टिबल, अनइन्फेक्टेबल एंड इम्प्रेग्नेबल लाइफ। आई वॉक इन द न्यूनेस ऑफ लाइफ, कॉन्शियस दैट आई हैव बीन रेज्ड टुगेदर विथ क्राइस्ट एंड मेड टू सिट टुगेदर विथ हिम इन द प्लेस ऑफ विक्ट्री, अथॉरिटी एंड डोमिनियन फॉर एवर। इन जीसस नेम आमेन। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद हो, महिमा से भरा हुआ पुनरुत्थान मसीह का मसीहियत को फैलाता है और जो मुझ में अनंतकाल का जीवन लाया है, जो अविनाशी है, कभी बाधित नहीं हो सकता और कभी भी मेरे जीवन में से नाश नहीं हो सकता, रोका नहीं जा सकता। मैं चलता हूँ उस नयेपन के जीवन में, ध्यान रखते हुए कि मैं जिलाया गया हूँ मसीह के साथ और बनाया गया हूँ उसके साथ बैठने के लिए, जो जीत की जगह है, अधिकार और प्रभुता की जगह, सदा के लिए। यीशु नाम में आमीन। मैं जीवन जीता हूँ। आई लिव अबाव दिस वर्ल्ड एंड इट्स सिस्टम्स, अबाव सिकनेस, डिजीज एंड द करप्टिंग फोर्सेस ऑफ दिस प्रेजेंट वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस। द पावर ऑफ द स्पिरिट दैट रेज्ड क्राइस्ट फ्रॉम द डेड हैज वाइटलाइज्ड एंड गिवन लाइफ टू माई फिजिकल बॉडी। I live the transcendent life of glory in Christ Jesus. Amen. मैं जीवन जीता हूँ जगत से भी ऊपर उठकर और उसके सारे रचनाओं से ऊपर उठकर, जो बीमारियाँ हैं, व्याधियाँ हैं और नाश करने वाले जोर है इस आज के जगत में, अंधकार के जगत में, उनसे ऊपर उठकर मैं जीता हूँ। मुझ में पवित्र आत्मा की शक्ति है जिसने मुझे मसीह के साथ मुर्दों में से जिलाया है। वही मेरी शक्ति है, मुझे जीवन देता है, मेरे शरीर के जीवन को, और मैं जीवित हूँ उस पार हो चुके जीवन में जो महिमा है मसीह यीशु में। आमीन। डियर फादर, थैंक यू फॉर द रेवलेशन, थैंक यू फॉर द रेवलेशन ऑफ योर अनफैथोमेबल, अनकंडीशनल, pure and eternal love in my spirit.
प्यारे पिता, धन्यवाद हो तेरा इस प्रकाशन के लिए जो गिनती नहीं किया जा सकता है कितनी गहराई में है और जिसके विषय में कोई सीमा नहीं है और जो शुद्ध है और अनंत काल का वह प्रेम मेरे आत्मा में है। आई एम रूटेड एंड ग्राउंडेड इन योर लव एंड आई मैनिफेस्ट एंड रेडिएट योर लव टू माई वर्ल्ड टूडे इन जीसस नेम आमीन। मैं गहराई में गढ़ा हुआ हूँ जड़ के साथ और उस प्रेम के जमीन पर गहराई में जड़ के साथ हूँ और मैं प्रकट होता हूँ और फैलता जाता हूँ तेरे प्रेम में इस जगत भर में मेरे जीवन में आज यीशु नाम में आमीन। गॉड हैज मेड ऑल ग्रेस एवरी फेवर एंड अर्थली ब्लेसिंग कम टू मी इन एबंडेंस देयरफॉर आई एम सेल्फ सफिशिएंट। आई वॉज बॉर्न into an incorruptible, inexhaustible inheritance. Christ is in me, and He is my all. With Him, I have all things blessed by God. परमेश्वर ने सारा अनुग्रह, उसकी कृपा और पृथ्वी की आशीषें मेरे तक आने दी है बहुतायत के साथ, इसलिए मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ और मैं जन्मा हूँ अविनाशी चीज़ों से कभी ख़त्म ना होने वाले विरासत में, मसीह जो मुझ में है और उसका सब कुछ जो मुझ में है उसी के साथ मेरे लिए मेरे पास सब कुछ है। धन्य हो परमेश्वर। आई एम अ पार्टेकर ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द सेंट्स इन द किंगडम ऑफ लाइट। Darkness has no place in me because I am native born to the light and I live continually in the light of God's world. I manifest this light to my world ever so brightly today as I give expression to the life of Christ and His nature of righteousness in me functioning with excellence, precision and wisdom in all I do. Glory to God. मैं सारे संतों के साथ ज्योति के राज्य में विरासत का भागीदार हूँ। अंधकार का मुझ में कोई जगह नहीं क्योंकि मैं उस ज्योति के राज्य का जन्मा हुआ अधिकार में हूँ और मैं लगातार ज्योति में जीता हूँ जो परमेश्वर का वचन है। ज्योति मुझ में प्रकट होती है मेरे जगत में इतने तेज के साथ आज, जैसे मैं व्यक्त करता हूँ मसीह का जीवन मुझ में से और उसके गुणों को जो धार्मिकता के गुण है मुझ में, उसके धार्मिकता के गुण उसी के द्वारा मैं काम करता हूँ
उत्कृष्टता के साथ, खराई के साथ और तराशा हुआ बुद्धि के साथ सब कुछ मैं करता हूँ, और वही मुझ में उसके गुण, मसीह के गुण, उसके जीवन, उसकी धार्मिकता मुझ में से दिखती है। सब कुछ जो मैं करता हूँ उसमें से। महिमा हो परमेश्वर की। डियर फादर, थैंक यू फॉर योर ग्लोरी इन माई लाइफ एज आई कॉन्स्टेंटली बीहोल्ड द ग्लोरी इन योर वर्ल्ड फॉर माई हेल्थ, फाइनेंसेस, फैमिली एंड सेफ्टी। आई एम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सेम इमेज दैट आई सी फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी इन जीसस नेम, आमीन। प्यारे पिता, धन्यवाद हो तेरा, तेरी महिमा मेरे जीवन में है। लगातार मैं तेरी महिमा को लिए हुए हूँ, तेरे वचनों में से, मेरे सेहत में, मेरे आर्थिक स्थितियों में, परिवार में और सुरक्षा में। मैं बदलता रहता हूँ उसी समानता में होने के लिए जो तूने मुझ में रखी है। तेरी महिमा, महिमा से महिमा तक, यीशु नाम में, आमीन। डियर फादर, थैंक यू फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ योर स्पिरिट थ्रू विच यू आर परफेक्टिंग द चर्च एंड हेल्पिंग अस टू प्लेस अ प्रीमियम ऑन लिविंग बाय योर वर्ड, रेंडरिंग टू यू वर्शिप इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। योर वर्ड इज गेनिंग द प्री एमिनेंस विथ ट्रू वर्शिप, टेकिंग सेंटर स्टेज अमोंग योर कॉन्ग्रीगेशंस एज योर ग्लोरी फ्यूल्स आवर हार्ट्स, इन जीसस नेम। आमीन। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे आत्मा की सेवकाई जो मेरे अंदर कलसिया को सिद्ध बनाने के लिए काम करता है और हमें सहायता कर रहा है कि हम अपने जीवन पर मूल्य रखें, कि तेरे वचन के द्वारा हम मूल्यवान बन सके। हमारे आराधना आत्मा और सच्चाई में हम तुझे अर्पण कर सके। तेरा वचन हम में जगह पकड़ रहा है, सच्चे आराधना जो हमारे लिए अभी कलसियाओं के अंदर केंद्र स्थान बन रहा है, तेरे महिमा से भरने के लिए हृदयों में, यीशु नाम में, आमीन। Satan, the God of this world, has nothing in me. The Lord has given me dominion over the flesh to guard my heart and mind with all diligence. No unwholesome thought can take root in my heart. My spirit, my mind, and my body are yielded to the world and purified by the world every day. In Jesus' name, Amen. शैतान जो इस जगत का प्रभु है, परमेश्वर है, ईश्वर है, उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। प्रभु ने मुझे प्रभुता दी है सारे शरीर के ऊपर, कि मैं रखवाली कर सकूं मेरे हृदय और मन की सारे बुद्धिमानी के साथ। कोई भी ऐसा
अनिश्चित सोच जड़ नहीं पकड़ सकता है मेरे हृदय में। मेरा आत्मा, मेरा मन और मेरा शरीर वचन को समर्पित है और शुद्ध किया गया है वचन के द्वारा रोज के दिन। यीशु नाम में आमीन। आई एम द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, ही ड्वेल्स इन मी बाय द होली स्पिरिट। क्राइस्ट हैज टेकन अप हिज अबोर्ड इन मी एंड आई एम फॉर एवर इन हिम। आई लिव इन हिज प्रेजेंस एंड आई कैरी दैट डिवाइन प्रेजेंस एवरीवेयर टू इम्पैक्ट माई वर्ल्ड। इन जीसस नेम आमीन। मैं जीवित परमेश्वर का मंदिर हूँ, वह मुझ में रहता है। पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह ने मुझ में घर किया है, उसका घर मुझ में है और मैं सदा सर्वदा उसमें हूँ। मैं उसकी उपस्थिति में जीता हूँ, उसकी ईश्वरीय उपस्थिति मैं लेकर चलता हूँ सब जगहों में, मेरे जगत भर में प्रभावित होने के लिए। यीशु नाम में आमीन। डियर फादर, योर लव, ग्रेस एंड गुडनेस फिल द नेशंस एंड द लाइट ऑफ योर ग्लोरियस गॉस्पल शाइन्स ब्राइटली, लिबरेटिंग मेन, वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम डार्कनेस, बॉन्डेज एंड करप्शन इन टू द ग्लोरियस लिबर्टी ऑफ द सन्स ऑफ गॉड। इन जीसस नेम आमीन। प्यारे पिता, तेरा प्रेम, अनुग्रह और भलाई राष्ट्रों के अंदर भर चुकी है और तेरी ज्योति, तेरे महिमा से भरा हुआ सुसमाचार जगत भर में चमक रहा है तेज के साथ। मनुष्यों को, लड़कों को, स्त्रियों को, लड़कियों को छुड़ा रहा है अंधकार में से, बंधनों में से, नाश में से और लेकर आ रहा है महिमामय स्वतंत्रता में। संतान जो परमेश्वर की है उनमें। यीशु नाम में आमीन। द ग्लोरी ऑफ गॉड दैट्स विद इन मी बियम्स फोर्थ फ्रॉम माई स्पिरिट विथ ओवरवेलमिंग इंटेंसिटी। माई लाइफ इज द एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स ग्रेस, स्ट्रेंथ, परफेक्शन, ब्यूटी एंड राइटियसनेस, द एक्सेलेंस एंड वर्च्यूज ऑफ डिविनिटी आर मैनिफेस्टेड इन एंड थ्रू मी इन एवर इंक्रीजिंग स्प्लेंडर। आई एम कंटिन्यूअली ट्रांसफिगर्ड फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी by the Spirit as I study and meditate on the world. Hallelujah! परमेश्वर की महिमा जो मुझ में से किरणों की तरह मेरे आत्मा से निकलती है, आगे बढ़कर वह बड़े धुन के साथ, तीव्रता के साथ जाती है। मेरा जीवन व्यक्त करता है परमेश्वर का अनुग्रह, शक्ति, सिद्धता, सुंदरता, धार्मिकता, वह उत्कृष्टता, ईश्वरीय गुण मुझ में से प्रकट होता है और मेरे द्वारा वह महान ऐसा अद्भुत बढ़ता हुआ मुझ में से दिखता है।
मैं लगातार बदलता रहता हूँ, महिमा से महिमा तक, पवित्र आत्मा के द्वारा। जब मैं अभ्यास करता हूँ और वचन पर मनन करता हूँ, वचन का अभ्यास करता हूँ, हालेलुया। डियर लॉर्ड, थैंक यू फॉर द प्रिविलेज ऑफ वर्शिप एंड फॉर गाइडिंग मी ऑन द वे ऑफ ट्रू प्रेज एंड वर्शिप दैट्स एक्सेप्टेबल टू यू। थैंक यू फॉर ग्रैंटिंग मी द एबिलिटी टू कंडीशन माई माइंड एंड सेंसेस टू ऑफर यू ट्रू वर्शिप फ्रॉम माई हार्ट दैट ट्रांसमिट्स योर ग्लोरी टू इम्पार्ट माई वर्ल्ड इन जीसस नेम। आमीन। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद हो जो आदर आराधना करने का मुझे तूने दिया और मेरी मार्गदर्शा करता है उन मार्ग में जहाँ सच्ची प्रशंसा और आराधना होती है जो तुझे स्वीकार है। धन्यवाद हो कि तूने वो कुवत मुझे दी है जो मुझे तैयार करता है मन में और पांच इंद्रियों में, जहाँ मैं तेरे लिए सच्चाई को अर्पण कर सकता हूँ। आराधना मेरे हृदय के अंदर से, जिसमें से तेरी महिमा बहती है, जो जगत पर प्रभाव करती है। यीशु नाम में आमीन। डियर फादर, माय माइंड इज रिप्लीट विथ सुपरनैचुरल आइडियाज एंड स्ट्रैटेजीज टू पुश द गॉस्पल टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। आई प्रे फॉर ओपन एंड इफेक्चुअल डोर्स फॉर एक्सपांशन एंड इंक्रीज्ड इन्फ्लुएंस ऑफ द गॉस्पल इन डिफरेंट एथनोस। आई डिक्लेयर योर राइटियसनेस विल कंटिन्यू टू डोमिनेट एंड प्रिवेल इन द अर्थ अंटिल द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। इन जीसस नेम आमीन। प्यारे पिता, मेरा मन तेरे असाधारण युक्तियों को समानता में और तेरे योजनाओं को सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक लेकर जाने के लिए उपयोग करता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह प्रभावशाली रास्ते खुल जाए, वह दरवाजे खुल जाए और बढ़ता जाए और फैलता जाए। सुसमाचार का प्रभाव अलग अलग जगहों में। मैं घोषणा करता हूँ तेरी धार्मिकता लगातार प्रभुता करती रहे और प्रबल बनी रहे पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक। यीशु नाम में आमीन। डियर फादर, थैंक यू फॉर द लव ऑफ क्राइस्ट विच इज द बॉन्ड ऑफ परफेक्शन एंड विच रूल्स माई हार्ट ऑलवेज। आई लैविशली एक्सप्रेस योर लव नेचर एंड रेडिएट द ब्यूटी एंड ग्लोरीज ऑफ हेवन टू माई वर्ल्ड। ऑलवेज आई राइज अबव ऑफेंसेस, बीइंग अकोमोडेटिंग एंड काइंड। I cover others with the umbrella of your love that flows lavishly from the castle of my heart. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, तेरे प्रेम के लिए जो मसीह यीशु के द्वारा मुझ में रखा गया है, जो मेरे अंदर सिद्धता का
बंधन बना है, धन्यवाद करता हूँ, और जो मेरे हृदय में हमेशा राज्य करता है। मैं भरपूरी के साथ तेरे प्रेम के गुणों को व्यक्त करता हूँ और तेरी सुंदरता और महिमा जो मेरे जगत में तेरे स्वर्ग की है वह मैं फैलाता रहता हूँ। मैं उठता हूँ सारे ठोकरों से ऊंचे उठकर और मैं अपने आप को रखता हूँ ऐसे तरह से जिसमें ठोकरों का कोई काम मुझे खेदित नहीं करता और मैं दया के स्थान से चलता हूँ। मैं अपना सब कुछ छुपाता हूँ, जो भी तूने दिया है वह सब कुछ जो दूसरों का है जो तेरे लिए तूने मेरे पास रखा है वह तेरे प्रेम के छाते के नीचे छुपाता हूँ। वही बहुतायत से मेरे जीवन में से बहता है तेरा प्रेम दूसरों के लिए। यीशु नाम में आमीन। द लॉर्ड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माय लाइफ एंड ही कॉन्स्टेंटली रिन्यूज, रिफ्रेशेस एंड रिजुविनेट्स मी थ्रू द वर्ड एंड द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आई एम स्ट्रोंगर बाय द डे, स्ट्रोंगर टूडे देन एवर, बिकॉज माई इनवर्ड मैन इज रिन्यूड डे बाय डे। आई लिव इन द एजलेस जोन, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु मेरी शक्ति है मेरे जीवन में और लगातार मुझे वह नया करता है और मुझे ताज़ा करता है और मुझे नए सिरे से बनाता है उसके वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा। मैं बलवंत होता जाता हूँ दिन ब दिन, आज भी हमेशा ही बलवंत रहता हूँ क्योंकि मेरा अंदरूनी मनुष्य दिन ब दिन नया बनाया गया है। मैं उम्र के बाहर जीता हूँ। महिमा हो परमेश्वर की। थ्रू द गॉस्पल आई हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड अनटू गॉड, फ्रॉम अनराइटियसनेस अनटू राइटियसनेस एंड फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। आई ओपन माई हार्ट एंड माइंड टू बी ट्रेन्ड एंड एडुकेटेड इन द थिंग्स ऑफ गॉड एंड थ्रू द वर्ल्ड एंड बाय द स्पिरिट। आई एम ग्रोइंग अनटू मैच्योरिटी, firmly rooted in the faith to live triumphantly always. Amen. सुसमाचार के द्वारा मैं जगत से अलग कर लिया गया हूँ परमेश्वर के लिए। मैं अधर्म से अलग कर लिया गया हूँ धार्मिकता के लिए और मैं अंधकार से अलग कर लिया गया हूँ ज्योति के लिए। मेरा हृदय और मन मैं खोलता हूँ और मैं सिखाता हूँ और मैं अपने आप को शिक्षा देता हूँ उन चीज़ों की जो परमेश्वर की है, और मैं वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा परिपक्वता में बढ़ता रहता हूँ, निश्चित होता रहता हूँ जड़ के साथ विश्वास के जीवन को जीते हुए, जयवंत होते हुए हमेशा। आमीन। डियर फादर, थैंक यू फॉर अनवेलिंग टू मी दिस ट्रेशर्स ऑफ विजडम एंड ट्रेनिंग एंड फॉर एडुकेटिंग माय स्पिरिट ऑन स्पिरिचुअल रियलिटीज टू वॉक इन राइटियसनेस
इन माई वर्शिप ऑफ यू, माई सेक्रीफाइस ऑफ प्रेज एंड वर्शिप कम टू यू एज स्वीट स्मेलिंग सैवर, बिकॉज दे आर ऑफर्ड फ्रॉम अ हार्ट वॉश्ड फ्रॉम ऑल वर्ल्डलीनेस एंड इम्प्यूरिटीज, इन जीसस नेम, आमीन। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद हो, तूने पर्दाफाश किया तेरे बुद्धि के खजाने को मेरे लिए, और मुझे सिखाया और मुझे शिक्षा दी मेरे आत्मा में आत्मिक सच्चाई के विषय में, कि मैं उसमें चलूं जो तेरी धार्मिकता है। मेरे आराधना के समयों में मेरा बलिदान प्रशंसा और आराधना का तेरे लिए सुगंधित ऐसा धूप बने, क्योंकि वह मेरे हृदय के धुलाए हुए सब कुछ जो संसारिक है उसमें से अलग करके, अशुद्धताओं में से धुले हुए सब कुछ अलग करके चढ़ाया गया बलिदान है। यीशु नाम में, आमीन। डियर लॉर्ड, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू बी अ मेंबर ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन अ लोकल असेंबली। आई प्रे फॉर न्यू कन्वर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड अलोंगसाइड दोज हु मे हैव बीन मिसलेड, दैट दे वुड अंडरस्टैंड द चर्च as your security system for them, a place of refuge, comfort and refreshing, and as they come in they will grow spiritually and be effective in the work and ministry of reconciliation, in Jesus name, amen। Pyare Prabhu, धन्यवाद हो तेरा अवसर के लिए कि तेरे शरीर में, मसीह यीशु के शरीर में सदस्य मैं बन सकूं और मैं भाग ले सकूं कार्य करने के लिए जो समूह में, परमेश्वर के समूह में मुझे करने के लिए मिलता है। कलेसियाओं के अंदर, मेरे शहर के अंदर मुझे मिलता है। मैं प्रार्थना करता हूँ नए जो अभी परिवर्तित हुए हैं जगत भर में से, जिनको कोई भी किसी भी प्रकार से रास्ता भटका कर लेकर ना जा सके, कि वह समझे यह कलेसिया उनके लिए सुरक्षित रखने का रचना है, उनको छुपने की जगह है, उनको सांत्वना और ताजगी पाने की जगह है। और जैसे ही वह कलसिया में आएंगे तो वह बढ़ते जाए आत्मा में और वह प्रभावशाली बने कामों में और सेवकाई जो सुसमाचार की दी गई है उनको सौंपी गई है। यीशु नाम में, आमीन। Dear Father, I receive more grace and increase in the workings of your power in my life. The knowledge of your word causes me to walk in an overflow of grace, and that grace produces favor, beauty, goodwill, loveliness, perfections, glory, and ability in my life. इन जीसस नेम, आमीन। प्यारे पिता, मैं प्राप्त करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अनुग्रह को और तेरे सामर्थ्य के काम करने में बढ़ता रहता हूँ मेरे जीवन में। तेरे वचन का ज्ञान कारण बनता है कि मैं चलूँ उमड़ कर बहने वाले तेरे अनुग्रह में, और वह अनुग्रह जो कृपा
सुंदरता, अच्छी मर्जी, प्रीति से भरा हुआ, सिद्धता, महिमा और काबिलियत मुझ में उत्पन्न करता है, मेरे जीवन में, यीशु नाम में, आमीन। डियर फादर, आई थैंक यू फॉर कमिटिंग टू माई ट्रस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ द गॉस्पल। थ्रू मी द लाइट ऑफ द गॉस्पल शाइन्स ब्राइटली इन सिटीज, रीजन्स एंड नेशंस, रिजल्टिंग इन सालवेशन एंड इम्पार्टेशन ऑफ इटर्नल लाइफ टू मैनी हु हैव नेवर नोन यू इन जीसस नेम। आमीन। प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं अपने जीवन को तेरे सेवकाई में देखता हूँ। तूने ही मुझे उसके लिए योग्य जानकर मुझ पर भरोसा किया कि मैं तेरी सेवा करूँ सुसमाचार की। धन्यवाद हो, मेरे द्वारा सुसमाचार की ज्योति चमके तेजी के साथ मेरे शहरों में, मेरे क्षेत्रों में और राष्ट्रों में, नतीजे में उद्धार लाए और अनंत काल का जीवन बहुतों को प्राप्त हो। यह कभी भी किसी को मिला नहीं और समझा नहीं, ऐसा अनंत काल का जीवन बहुतों पर छा जाए, यीशु नाम में, आमीन। डियर फादर, आई थैंक यू फॉर कमिटिंग टू माई ट्रस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ द गॉस्पल। थ्रू मी द लाइट ऑफ द गॉस्पल शाइन्स ब्राइटली इन सिटीज, रीजन्स एंड नेशंस, रिजल्टिंग इन सेल्वेशन एंड इम्पार्टेशन ऑफ इटर्नल लाइफ टू मैनी हु हैव नेवर नोन यू इन जीसस नेम। आमीन। प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मुझ पर तूने भरोसा करके सेवकाई को सौंपा है, सुसमाचार की सेवकाई को, मेरे द्वारा सुसमाचार की ज्योति चमके तेजी के साथ मेरे शहरों में, राज्यों में, राष्ट्रों में, नतीजे में उद्धार लाए और अनंत काल का जीवन बहुतों पर प्रकट करे, जिनको कभी भी मालूम नहीं अनंत काल के जीवन के विषय, यीशु नाम में, आमीन।